दिन रात आंखों में बस एक ही ख्वाब और हर पल अपने सपने को पूरा करने की जिद। कुछ तो खास था उस छोटे से लड़के में, वो लड़का जिसे आज दुनिया जयंत यादव के नाम से जानती है। जनवरी 1990 दिल्ली के इसी घर में जन्म हुआ जयंत यादव का। किसी भी आम बच्चे की तरह उनका बचपन भी मोहल्ले की गलियों में क्रिकेट खेलते हुए बीता, मगर अंतर यह था कि उनके टैलेंट पर किसी ने करीब से नजरें गड़ाई हुई थीं। मेरे फादर क्रिकेट खेलते थे तो उन्होंने बोला कि एक टाइम पर अगर क्रिकेट खेलना है तो बेटर टू स्टार्ट गोइंग टू एन एकेडमी। तो हरबक्स स्टेडियम था दिल्ली कंटोनमेंट एरिया में, यंग फिल्म क्रिकेट एकेडमी थी, वहाँ से बेसिकली एकेडमी क्रिकेट वहाँ से शुरू हुई। प्रॉपर लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट्स अंडर 14 अंडर 11 वहाँ से शुरुआत हुई थी। इस वक्त तक जयंत 8 साल के हो चुके थे और परिवार दिल्ली के जनकपुरी इलाके में रहने लगा था। गली क्रिकेट की बेफिक्री से दूर जयंत के लिए ये वक्त था अनुशासित ट्रेनिंग का। मिस्टर आरपी शर्मा जी थे यंग फ्रेंड्स क्रिकेट एकेडमी में, तो उन्होंने क्रिकेट का बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे, वहां से शुरुआत हुई क्रिकेट की। एकेडमी में जयंत की जिंदगी बदल रही थी, मगर जो चीज नहीं बदली वो था पिता का साथ। दोनों की आंखें अब एक ही सपना देख रही थी। जय सिंह खुद डिस्ट्रिक्ट लेवल के क्रिकेटर रह चुके थे और खेल की बारीकियों को अच्छे से समझते थे। तभी तो जयंत जब 15 साल के हुए उनके पिता ने समझ लिया कि उनका खेल और उनके सपने जनकपुरी की सरहद से बड़े हो चुके हैं। जब ये 15 साल का था, मैं इसको हरियाणा में चौधरी साहब हैं रणवीर सिंह जी, उनके पास छोड़ के आया था। मेरा सर जरा देख लीजिए इसे, जिसने मुड़ के नहीं देखा। जयंत के पिता उन्हें रोज बस में बिठाते और जयंत ट्रेनिंग के लिए रोजाना जनकपुरी से रोहतक तक का लंबा सफर पूरा करते। आखिरकार ये मेहनत रंग लाई और जल्दी ही जयंत को हरियाणा से रणजी ट्रॉफी खेलने का मौका मिल गया। मगर दिल्ली में रहते हुए उन्होंने हरियाणा की तरफ से खेलने का फैसला क्यों किया, इसके पीछे की कहानी भी इस पिता पुत्र की जोड़ी के करीबी रिश्ते पर मुहर लगाती है। मैं रहता दिल्ली में था और मैं हमेशा क्रिकेट हरियाणा से ही खेला हूँ। मेरे फादर यूज्ड टू प्ले फॉर डिस्ट्रिक्ट्स फॉर गुड़गांव एंड ही वाज पार्ट ऑफ द टीम बट नेवर प्लेड द रणजी ट्रॉफी। तो आई थिंक मेरे फादर चाहते थे कि हरियाणा से खेले, तो वहीं बस शुरुआत हुई अंडर 15 हरियाणा में। जयंत के पिता इंडियन एयरलाइंस में उच्च पद पर थे और इस नाते उनका बड़े क्रिकेटरों के साथ उठना बैठना था। आमतौर पर यह किसी उभरते क्रिकेटर के लिए सफलता की सीढ़ी बन सकता था, मगर जयंत ना तो खिलाड़ी आम थे और ना ही उनकी सोच आम थी। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको। ये एनसी खेलने गया हुआ था तो श्रीनाथ आया, लड़कों से बड़ी अच्छी तरह बात करता, आई नो इज वेरी जेंटलमैन। तो रात को इसका फोन आया, पापा आज वो श्रीनाथ मिले थे। मैं कहा बेटा आपने बताया नहीं कि जय सिंह के लड़के, कहते इससे क्या फर्क पड़ता है। ये मेरे को कभी नहीं बोलने दिया इसने कि मैं जय सिंह का लड़का हूँ, कहते लेट मी प्ले माई ओन क्रिकेट। घरेलू क्रिकेट में जयंत का कद बढ़ता गया। फर्स्ट क्लास में 125 विकेटों के साथ साथ जयंत ने 2 शतक भी अपने नाम किए, जिसमें से एक वीरेंद्र सहवाग के साथ खेलते हुए आया। बैटिंग इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू मी, इट्स नॉट दैट आई डिडंट वर्क हार्ड ऑन इट, आई डिड वर्क हार्ड ऑन इट, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑन इट, बट इट्स समथिंग दैट विल ऑलवेज रिमेन माय सेकंड स्किल एंड माय फर्स्ट स्किल इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑफ स्पिन। जयंत यादव को मिली उनकी डेब्यू कैप, यहीं पर वनडे डेब्यू हुआ था, यहीं पर हुआ है टेस्ट कैप। The most proudest moment for me was to getting the test cap, because that's like the pinnacle of international cricket. It's called test cricket for a reason, because you aapke jo skills hote hain, temperament hota hai, aapka attitude hota hai, wo test hota hai. To wo ek jo moment thi Ravi sir se jab wo cap mili, to that was the most defining moment of my career. Jayant Yadav, jai ho aapki, kyunki ye gend jo tha ye jai jai kar raha tha aapki skill ka, bahut badhiya. Ghar par khushi ka thikana na tha, पिता का सपना पूरा हुआ था, माँ की दुआओं ने असर दिखाया था। पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने 5 दिन पूरा बैठ के मैच देखा, अदरवाइज आई डोंट वॉच क्रिकेट। तो ये मैच पूरा मैंने बैठ के देखा, फ्री प्लेयर गया। जहाँ भी उसको एक मौका मिला है उसने अपनी परफॉर्मेंस दी है, उसकी मेहनत है और एक ईमानदारी। जो बंदा ऑनेस्ट होता है ना, उसको भगवान कहीं ना कहीं उसका वो फल जरूर मिलता है। मैं तो ये चीज़ मानती हूँ और ये है भी, वो भी मानता है।
सिर्फ दो टेस्ट में अपने प्रदर्शन से जयंत ने बतौर ऑलराउंडर मजबूत दावेदारी ठोकी है। खूबसूरत जयंत यादव, मजेदार, जानदार। हालांकि उन्हें कई कसौटियों से होकर गुजरना बाकी है, मगर उम्मीद से भरा वो सफर शुरू हो चुका है, वो सफर जिसकी नींव उनके पिता की मेहनत ने रखी है।